इंदौर के मानिक बाग रोड स्थित दिगंबर जैन पब्लिक स्कूल बच्चों के परिजनों को बताए बिना ही आज स्कूल पूरी तरह से बंद करने का नोटिस स्कूल द्वारा बोर्ड पर चिपका दिया गया। परेशान परिजन शिक्षा अधिकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से ज्ञापन के माध्यम से जानकारी देने की बात कर रहे हैं। वहीं परिजनों ने स्कूल संचालक पर आरोप लगाया कि 3 माह से परिजन स्कूल संचालक के संपर्क में है, लेकिन इस दौरान स्कूल की तरफ से कोई भी जानकारी या नोटिस की जानकारी स्कूल की ओर से परिजनों को नहीं दी गई। इस दौरान परिजन प्रिंसिपल से मिलने की कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार गार्ड द्वारा यह बताया जाता है कि प्रिंसिपल अभी नहीं मिल सकते। वहीं परिजनों ने स्कूल संचालक से ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए कई बार प्रिंसिपल से मिल चुके हैं, लेकिन प्रिंसिपल ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं परिजनों का मानना है कि दिगंबर स्कूल में RTI के तहत बच्चों की तादाद ज्यादा होने और सामान्य बच्चे कम होने के चलते स्कूल बंद करने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी सामने नजर आ रहा है। अब नाराज स्कूली बालक इस पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी और CM को ज्ञापन के माध्यम से बताने की बात कर रहे हैं। बताएं आज क्या परेशानी लेके आप स्कूल में? सर, हमारी परेशानी ये थी कि विगत 3 महीनों से हम स्कूल में संपर्क कर रहे हैं कि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं हो रही है और आप स्कूल क्या डिसीजन ले रहे हैं। तो स्कूल के द्वारा सिर्फ गार्ड से ही मुलाकात होती थी, कोई उचित अधिकारी हमें जवाब नहीं दे रहा था। फिर प्रिंसिपल मैडम से बात चल रही थी 15 दिन से, तो उनका कहना था कि हमारे को शिक्षा अधिकारी ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए मना किया, जबकि इनका दूसरा स्कूल है NDPS, उसमें ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। तो मैंने इनसे निवेदन किया, आप हमें क्लियर करें कि आप हमारे बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। तो इनके द्वारा आज नोटिस बोर्ड पर ये चिपका दिया गया है कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं। तो मेरा इनसे निवेदन है कि आप लोग हमारे बच्चों के भविष्य की खातिर ये साल को कंटिन्यू करें, भले ऑफलाइन पढ़ाएं, पर अन्यथा हमारे बच्चों का पूरा भविष्य ये एक साल का ख़राब हो जाएगा, या फिर इनको NDPS में एडमिशन दें। मैनेजमेंट का कहना तो ये है कि आपको पहले से सूचना दी गई थी। किसी भी रूप से हमारे को कोई सूचना नहीं मिली, अगर मिली होती तो हम बार बार यहाँ नहीं आते। यहाँ के कैमरों में आप चेक कर सकते हैं, मेरे द्वारा हर तीसरे दिन यहाँ पर विजिट की जा रही थी कि आप हमारे को उचित जवाब दें कि क्या करना है। मैनेजमेंट से आपकी बात हुई हो तो क्या आपको आश्वासन दिया गया है? इन्होंने आश्वासन यही दिया है कि हम स्कूल पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाएंगे, और मेरे द्वारा ये जानकारी इनसे मांगी गई कि आप ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं तो ऑफलाइन सिलेबस दें। पर इनकी वेबसाइट इन्होंने 1 महीने से बंद कर दी थी, और इनकी वेबसाइट बंद होने के कारण और ये सब चीज़ें होने के कारण बच्चों ने अपने एडमिशन वापस ले लिए। आज आपकी फ़ोन पे बात हुई तो क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने फ़ोन पे बात पे ये बोला है कि मैं अभी उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होने के कारण कि मैं अभी अपने डॉक्टर से सलाह लेकर आपसे 2 दिन के अंदर पूरे पेरेंट्स के साथ मुलाकात करता हूं और फिर जो भी उचित निर्णय है लेते हैं। और मेरा एक ही निवेदन है कि इनको बच्चों का भविष्य देखना चाहिए। इसमें भी हमने सुना RTI वाले बच्चों को लेके कुछ बताया गया? उन्होंने ये बोला कि RTI बच्चों की तादाद ज़्यादा है और सामान्य बच्चों की तादाद कम है, तो हम उस कारण से स्कूल चलाने में असमर्थ हैं। जबकि मेरा ये कहना है कि अगर ये था तो ये हमें 3 महीने पहले बोल देते, तो हम हमारे बच्चों के भविष्य की खातिर किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करा लेते। अभी एडमिशन के लिए क्या बोले हैं वो? उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर मैं आपको उस मीटिंग में पूरा उचित जवाब दूंगा। अगर फिर भी आपकी कहीं सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या कार्रवाई होगी? अगर सुनवाई नहीं होगी तो इसके लिए मुझे भाई जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाके आवेदन भी देना पड़ेगा, यहाँ तक कि मेरे को मुख्यमंत्री जी के पास आवेदन देना पड़ेगा या कलेक्टर जी के पास जाके, तो मैं वो सब कार्रवाई करूँगा, उसके लिए पीछे नहीं। अधिकारी से कोई बातचीत हुई किसी? जिला शिक्षा अधिकारी जी से बात हुई थी तो उन्होंने ये बोला है कि अभी तक मेरे पास कोई आवेदन नहीं आया है। आपका नाम? मेरा नाम गगनदीप। अरे बताइए, आज आप दिगंबर जैन स्कूल में आए, क्या परेशानी? सर ये देखो, ये परेशानी है सर, स्कूल से कभी कोई परेशानी नहीं रही, सडनली क्लोज होना हमारे लिए बहुत बड़ा इशू हो गया। मार्च में क्लास नहीं, और लगती नहीं क्लास, ऑनलाइन अप्रैल में स्टार्ट हो गई थी सारी स्कूल्स की, हमने कोई इशू नहीं रखा। जुलाई गया, अगस्त एंड में अब इनसे पूछ रहे हैं आप ऑनलाइन क्लास लो, तो ये कह रहे हैं हमारा स्कूल सैटरडे क्लोज हो गया है। सैटरडे मतलब अगस्त, क्या था सैटरडे को डेट? उतनी तारीख को ये स्कूल क्लोज हो गया, तो कैसे काम चले? 22 अगस्त को बोल रहे हैं कि क्लोज हो गया, 23 संडे आ गया, 24 को हम आपके सामने खड़े हैं। हमारी इस स्कूल से कोई वो नहीं है, हमने ये सोचा था स्कूल कवर करा लेगी, 3 महीने अगर स्कूल भी नहीं लेती तो आराम से कवर होगा। स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी थी, टीचर सारा सपोर्टिंग काम था हमारा, पर अब कुछ भी नहीं मिला। सैटरडे फ्राइडे मंजूषा मैडम से मेरी आधा घंटा बात हुई, उन्होंने कहा ऐसा मैडम कुछ भी नहीं है, और सैटरडे बोलती हाँ मैडम हो गया है, और मैंने कहा क्यों बंद हुआ? तो ये बोले आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपके यहाँ नोटिस आएगा, उससे आपको पता लग जाएगा किन कारणों से बंद हुआ है।
साइड तो इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि हमने पेरेंट्स लोगों को पहले से कुछ भी नहीं बताया था। अगर ऐसा होता भैया तो हम क्यों हमारे बच्चे का साल खराब करते, आप बताइए। हमको फीस लेके कोई वो इशू नहीं था, इन्होंने मैथ्स बन के हम रेडी थे, इन्होंने विकल्स बन के हम उसके लिए, हमको सिर्फ एजुकेशन से मत एक्टिविटी ऑलरेडी यहाँ कम थी उसके लिए भी हम तो क्या परेशानी आ रही है। बच्चे को सितंबर में कहाँ डालेंगे आप बताइए ना। एक एग्ज़ाम हो चुका है, होने वाला है सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक में एक एग्ज़ाम होने वाला है जो कि फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, उसके चार चार पाँच पाँच लेसन सारी स्कूल्स के हो गए। मैं बच्चे को सेप्टेम्बर में स्टार्ट करती हूँ तो वो चार से पाँच लेसन करवाऊँगी या आगे की पढ़ाई तैयार करवाऊँगी, आप ये बताइए ना। या तो ये NDPS में हमें एडमिशन दे दें, ऑनलाइन जैसा बच्चों का चल रहा, हम 5-10 बच्चे 8 से 9 बच्चे हैं उनको कंटिन्यू करा दें, फोर्थ में हमारा कंप्लीट करा के फिफ्थ में हमारी जहाँ इच्छा होगी हम करा लेंगे, या तो कंटिन्यू एडमिशन रखें। मेरा नाम सारिका जैन, मेरा बेटा पवित्र जैन 4th क्लास में है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।